भरतपुर में गणगौर त्योहार से एक दिन पहले शहर भर के बाजारों में गणगौर तैयारियों की तैयारियों को लेकर धूम नजर आ रही है। वैसे तो हमारे देश में वर्ष भर त्योहार आते रहते हैं, लेकिन गणगौर त्योहार जो कि नव विवाहित महिलाओं और सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष त्योहार माना जाता है, जो कि चैत्र मास की तृतीया तिथि को आता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं की ओर से माँ पार्वती गणगौर माता की कथा सुनकर कुएं और तालाब पर जाकर पूजा अर्चना करती है और अपने पति की दीर्घायु की दुआ मांगती है। भारतवर्ष में गणगौरी की पूजा विशेष महत्व मानी जाती है। शुक्ल तृतीया को गणगौरी की पूजा होती है और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे हिंदू संस्कृति में इसकी बहुत महत्वता है, खास महत्व मानी जाती है। और नव विवाहित जोड़ों के लिए तो बहुत ही खास माना जाता है। गुनाओं से इसकी पूजा होती है, जोड़े बनाए जाते हैं गणगौरी का, और गणगौरी की पूजा की जाती है। ये सिद्धि के महत्व रखती है, जोड़े रखती है, और इसका हर परिवार में हर घर में पूजा होती है, घर घर में पूजा होती है गणगौरी की। और इसकी